जो उसका फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनली 11 से 12 अवार्ड जीते और इंटरनेशनल फिल्म मेकर फेस्टिवल में वो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेटेड है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मैं नॉमिनेटेड हूँ। फिर मैं उससे कनेक्ट हुआ, फिर बातचीत हुई, तो फिर वो फेस्टिवल के प्रेसिडेंट ने मुझे लेटर भेजा, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 13 दिन में वीज़ा आ गया और फिर मैं और आमना वहाँ गए और जब वो सेरेमनी हो रही थी फाइनली स्क्रीनिंग्स के बाद, तो मेरी हालत जिसको कहते ना टाइट थी, बिल्कुल हालत टाइट थी क्योंकि अच्छे वहाँ के रिकग्नाइज एक्टर्स मेरे साथ, एक अमेरिकन एक्टर थे और दो ब्रिटिश एक्टर थे जो मेरे साथ नॉमिनेटेड थे और वो फीचर फिल्म्स में से थे और मैं एक फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में से था विच वॉज नॉट फॉलिंग इन अ प्रॉपर फीचर फिल्म कैटेगरी बट स्टिल यू नो आई वॉज देयर। सो आई जस्ट मैं तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि यार अब क्या होगा जो रिजल्ट अनाउंस होना है। बहरहाल दे अनाउंस किया, मुझे मिल गया है एंड आई वॉज मुझे पता नहीं किसने फोन करके बताया कि जी मुहिब मिर्जा को इंटरनेशनल फेस्टिवल की कोई फेस्टिवल हो रहा है उसमें उनको नॉमिनेट किया गया। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने कॉल वॉल की तो फोन बन जा रहा, मैंने फिर पूछवाया कि कहाँ है मुहिब, आई नीड टू टेल हिम कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। तो बाद में पता चला कि ही इज ऑलरेडी ट्रैवल्ड, आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम, इतनी खुशी हुई थी मुझे, आई वाज रियली हैप्पी। फिजबाग ने कॉल किया, फिजबाग ने कॉल किया क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम फिजबाग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मोहिब से बात करूं? बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम, सुन रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। मोहिब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए जरूर। आपकी वाइफ और आपकी अम्मी एक बोट में एक साथ ट्रेवल कर रहे हो? मेरी वाइफ और मेरी अम्मी एक बोट में सफर कर रहे हो? अल्लाह ना करे अगर वो बोट डूब जाए। हाय अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ना करे, आप किसको पहले बचाओगे? किसको पहले बचाऊंगा? अगर वो बचा सका तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोनों को बचाऊं। नहीं, एक को बचाना। नहीं, एक को मैं बचा नहीं सकूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी के दो ऐसे हिस्से हैं कि अगर आप इसको अलग अलग करें तो फिर मैं नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, तो अगर एक को बचा सके, एक को बचाना। अच्छा, तो आप एक काम करें कि आप मेरे घर का नंबर दे देता हूँ, घर पे फोन करके बड्डा करवा दे। ये बहुत मुश्किल सवाल इस हवाले से है क्योंकि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता वो सिचुएशन क्या होगी कैसे होगी, लेकिन मेरे अंदर से कोई डिफ्रेंसिएशन ऐसी नहीं है क्योंकि माँ मेरी अपनी जगह है और बीवी मेरी अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी को प्रायोरिटी दूंगा। इट्स रियली मतलब डिफिकल्ट टू आंसर कि मतलब मैं क्या करूंगा उस वक्त, लेकिन मेरी जाहिर है दिलो जान से ही कोशिश होगी मैं दोनों को एट एनी कॉस्ट, मेरी जान चली जाए लेकिन वो दोनों किनारे पे हूँ। थैंक यू सो मच मिसबाग। अच्छा, दो चीजें, एक तो ये कि इनको वापस घर जाना है, हम इनको यहाँ नहीं रखेंगे अभी सारी जिंदगी के लिए, ही हैज टू गो बैक होम। और दूसरा ये कि आमना कहाँ है आजकल? आमना ने तो कॉल नहीं की है ये। आमना ने आवाज बना के तो नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा सुने, मुझे ये दिख रहा है आपको, मेरे पास ये एक चिट से भरा हुआ एक मुझे मिला है बोल और इसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं किसी भी वक्त आपसे थ्रू आउट द शो कह दूंगी कि आपने वो प्ले करने हैं। अच्छा। स्पॉन्टेनिटी के सारे पैसे। अच्छा। और आप करोड़ रुपए के एक्टर माने जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे किए। अच्छा। ठीक है, तो बस किसी भी वक्त करोड़ रुपए रखें पहले करोड़ रुपए रखें नहीं, करोड़ रुपए के एक्टर माने जाएंगे, माने जाएंगे। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि करोड़ रुपए मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए के एक्टर माने जाएंगे। अच्छा, ये मॉर्निंग शो नहीं है, ये इम्तिहान शो है। नहीं नहीं, अच्छा बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, मुहिब मिर्जा इज आल्सो माय कंपटीशन क्योंकि इन्होंने एक मॉर्निंग शो भी होस्ट किया है नादिया का। और वो आपने बहुत अच्छा किया था। अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छा क्योंकि बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सुनने में आ रहा था। अच्छा, कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब मैं वो था कि यार इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड कि मतलब मैं बैठा हूँ और कह रहा हूँ वेलकम टू नादिया खान शो एंड आई एम मोहिब, लेकिन वो सही था, तीन चार पांच दिन का वो था, बस मैं जैसा हूँ वैसे ही रहा। हाँ, इसीलिए वो आई एंजॉयड इट। आई थिंक वो सारा जो चार्म था ना वो ओरिजिनलिटी का था, मैंने भी देखा था। वो होस्टिंग में यही है, आपकी पर्सनैलिटी सामने आनी चाहिए, मेरा ख्याल है। तो आपको खौफ आया इस चेयर में बैठ के? नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले टीटीवी की नाइट टाइम ट्रांसमिशन लाइव कर चुका था और वो 3 घंटे की होती थी और 3 घंटे में से पूरे पाकिस्तान में से कॉल्स आ रही होती थी, सारी चीज़ें हैंडल करनी होती थी। बाज़ुकात बहुत हमारे कॉलर ने खिदमत अफजाई भी की हमारी,
लेकिन तो उससे थोड़ी सी आदत थी, प्लस फिर मैंने उस तरह के यू नो लाइव कॉन्सर्ट और सारी चीजें क्राउड हैंडलिंग सब किया हुआ था मैंने, तो एज सच मुझे वो नहीं हुआ। लेकिन ऑलराउंडर लगते हैं मुझे कभी कभार मोहब्बत, यार मजबूरियां इतनी थी मजबूरियां इतनी थी, ऑलराउंडर बनना पड़ा। अच्छा छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग ये बोल याद रखिएगा जो ये मेरे बराबर में रखा हुआ है, इसमें कुछ चिट्स हैं, उसमें कैरेक्टर्स कुछ लिखे हुए हैं, और मैं स्पॉन्टेनियस किसी भी वक्त इनसे कहूंगी कि मुझे स्पॉन्टेनियस। और यूके में जितने लोग बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। और आप क्या कह रही थी? मैं ब्रेक ले रही थी, गुड मॉर्निंग जिंदगी ब्रेक। लेकिन खातून के साथ आप तस्वीरें खिंचवा रहे थे, बहुत मशहूर है जमाना माशाल्लाह ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये तो कोई दूसरी खातून है। आमना के साथ आपके फोटोशूट बहुत अच्छे आते हैं। मैं एक्चुअल अच्छा आमना का अच्छे आते हैं, नो डाउट। इस दफा मैंने अभी मैंने यही कह रही थी कि फैशन पाकिस्तान वीक में जो इन लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है रैंप पे, एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है, और मैंने आई स्वेयर टू गॉड आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस वन। मैं फैशन पाकिस्तान वीक गई थी, मेरे ख्याल में 3 दिन मैंने अटेंड किया था, और मैंने आई स्वेयर मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैंने कोई रैंप नहीं देखा क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। जब ये दोनों आए हैं रैंप पे, मैं खड़ी हो गई थी और मैं क्यों देख रही थी, ओ माय गॉड व्हाट आर दे डूइंग, बट व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, इट वाजंट कैटवॉक, इट वाज परफॉर्मेंस। दोनों का जो ना जो वो व्हाट शुड आई, हाउ शुड आई पुट इट, दोनों इतने टैलेंटेड हैं कि जो I don't know how, the chemistry is amazing. Talent ka aatishfishan pahar. Bahut sakht aatishfishan pahar hai वैसे, honestly. How did you two meet? मैं एक शो कर रहा था बच्चों का, बहुत मशहूर आपके पड़ोस चैनल में, पड़ोस मुल्क। मैं आई विश कि मैं आपको बता सकती कि दूसरा नाम उसका क्या है, लेकिन मैं नहीं बता दूंगी, मैं ब्रेक में बताऊंगी। ठीक ठीक। तो बच्चों का शो मैं कर रहा था होस्ट, उसमें कुछ मसाइल हुए, डायरेक्टर चेंज हुआ, पता चला कि वो खातून आई है, क्योंकि आमना ने वैसे तो फिल्म मेकिंग और वो सारी चीज़ें पढ़ी नहीं, जो कि उसने बहुत प्रोडक्शन और सारी बहुत कम टाइम के लिए की थी शुरू में। तो उनसे वहाँ मुलाकात हुई, 70-80 एपिसोड किए, उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं अब शो नहीं करूँगा और आमना से शादी करूँगा, और अब शादी करूँगा। तो मैं ऐसे मिला। Was it that easy? It was, it can't be that easy. मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई बहुत जबरदस्त, कोई खतरनाक तवील दौरानिया का लव अफेयर चला या कुछ इस तरह का नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार बस ग्रेट ह्यूमन बीइंग, जबरदस्त, बहुत 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 ही सुथरा सीधा ऑनेस्ट सोल है वो, बहुत ज्यादा बिल्कुल, और जो है वो है, तो वो बस मुझे यही बात उसकी अच्छी लगती है, सादा है, ऑनेस्ट है, जैसी है वैसी है, बहुत अच्छी। मैंने यार इससे अच्छी बीवी नहीं हो सकती, बाकी नहीं हो सकती, बाकी नहीं हो सकती। आई विल, अच्छा बस इसी खुशी पे एक और चेक चेक हो जाए पहली बार। मैं अब इम्तिहान नंबर 1, यस कंडक्टर, कंडक्टर ये गार्डन रामसमी कैंड के लेफ्टन कैंड के लिए, तो चल मेरा भाई आगे लग जवान, ये किराया सीधे हाथ में दे, ए लेडी सीट खाली कर मेरा भाई। आप किसी जमाने में कंडक्टर थे? मैं किसी जमाने में बहुत बसों में गया, बहुत बहुत आया गया। Really? I think I love candid conversations. क्योंकि ये होता है कि फिर लोग जो है वो, oh no, मैं तो कभी बस में नहीं बैठा, लेकिन नहीं इन्होंने बता दिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैं हमेशा से बहुत करोड़पति चल रहा हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं। हमेशा से करोड़पति चल रहा हूँ, मतलब अब हो गए हैं। मुझे बताएं, did it pay? क्या चीज़? Acting, did it pay well? Of course, भाई सिर्फ मतलब हर हर वाले